चाहे बकाहे अधिकारियों की लापरवाही के मामले सामने आते रहे हैं। ताजा मामला केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी का है, जहां स्मृति ईरानी ने फोन पर लेखपाल को अपना परिचय दिया, लेकिन लेखपाल दीपक कुमार केंद्रीय मंत्री को पहचान नहीं सके। माननीय सांसद और मोदी कैबिनेट की पावरफुल मंत्री कहती रही, हेलो मैं स्मृति ईरानी बोल रही हूँ, लेकिन वो मंत्री जी को पहचान नहीं सके। इसके बाद स्मृति ईरानी ने सीडीओ को फोन दिया, लेकिन लेखपाल सीडीओ को भी नहीं पहचान सके, जिसके बाद सीडीओ ने लेखपाल को विकास भवन तलब कर लिया। दरअसल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी दो दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची है। जब वो कादूनाला स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दे रही थी, इसी दौरान करुणेश सिंह नाम का एक शख्स अपनी अर्जी लेकर उनके पास पहुंचा। करुणेश के पिता परिषदीय स्कूल में शिक्षक थे, उनकी मौत हो गई है। माँ सावित्री देवी को पेंशन मिलनी है, लेकिन लेखपाल की तरफ से सत्यापन नहीं हो पा रहा है। इसके बाद स्मृति ईरानी ने लेखपाल का नंबर मांगा और सीडीओ ने उसे डायल किया। स्मृति ईरानी ने फोन करते हुए कहा, हेलो दीपक जी, स्मृति ईरानी बोल रही हूँ, फोन डिस्कनेक्ट। फिर सीडीओ ने नंबर डायल किया, हेलो लेखपाल जी, अंकुर को जानते हैं? मैं स्मृति ईरानी बोल रही हूँ साहब, सांसद अमेठी। आप अंकुर को जानते हैं? लीजिए वे आपको अपना परिचय देंगे, बात करिए। अंकुर ने कहा, आप सीडीओ को नहीं जानते? कल आप विकास भवन आकर मिलिए। सोशल मीडिया पर इस पूरी बातचीत का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। हम स्मृति ईरानी बोल रहे हैं सर, सांसद अमेठी। अंकुर जी कौन है, थोड़ा परिचय दे देंगे अपना, एक्सक्यूज दीजिए साहब। हेलो, तुमको जिले का सीडीओ नहीं पता कौन है? आप आओ ऑफिस आओ, ऑफिस आओ, विकास भवन आइए। ये तो है वैसे उसका घर ही कहता, मैं कहता मैं 2020 किलोमीटर तक 30 आता हूँ, उसके बाद टोल खर्चा होता, पता नहीं क्या क्या बताया हमने, कहा करिए मुझे जाने थी, आप ना कभी फोन करें।